सोमवार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला अस्पताल के नए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर जिला अस्पताल के सभी चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों ने नवागत मुख्य चिकित्साधिकारी को पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन किया। नवागत सीएमओ ने भी अपने कार्यभार के पहले दिन संबंधित कर्मचारियों से जिला अस्पताल के व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमी पाए जाने पर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला अस्पताल में व्याप्त समस्याओं को जल्द दूर करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। फीडिंग के लिए यूज हो रहा है अभी सर, उसमें एक गुड मोटी भी आ रहा है तो हम इसको नहीं, मैं चाह नहीं रहा हूँ। तो आयुष्मान भारत है और एस आई सी जी एल जो सबके हाँ अभी आप प्राथमिकताएं ही हम सबकी प्राथमिकताएं हैं। सभी पीएससीज पे सीएससीज पे दवाइयाँ उपलब्ध हैं, चिकित्सक उपलब्ध हैं, लोगों को गरीब जनता को इलाज मिल सके और जितने हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनका क्रियान्वयन सफल तरीके से हो, क्योंकि उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जनता को काफ़ी लाभ होता है। कुछ नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी के हैं, उन पर हम चाहेंगे कि हम चिकित्सक उपलब्धि करें और उसी दिशा में कार्य करेंगे। जैसा कि मुझे बताया गया यहाँ टीम हमारी अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कार्यक्रम अच्छा। जिला अस्पताल में काफ़ी खामियां हुई तक दवाइयों का वितरण हुआ चाहे कर्मचारियों के संबंध में, उससे कैसे निपटेंगे? मैं अभी तो एक घंटा भी नहीं हुआ है आया हूँ, लेकिन स्टडी क्या प्रॉब्लम से कहाँ लूप होल्स हैं, क्या हम उसको कर सकते हैं, कितना सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली बेटर होगी कंडीशन।